हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है DDC पैनल है। तो DDC पैनल पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बनाया हूँ, लेकिन एक भाई का कमेंट आया था कि जो मैं वीडियो बनाया हूँ, बोल रहे हैं कि उसमें थोड़ा बेसिक से बताने के लिए पूरा डिटेल में, तो वो जो वीडियो है ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इसके लिए उस भाई के डिमांड पे मैं इस वीडियो में आप लोग को बेसिक से लेके तो पूरा फुल डिटेल तक इसका कनेक्शन वगैरह जो होता है, कैसे कौन सा इक्विपमेंट में आता है, कैसे क्या क्या इसमें बेसिक होता है, और बेसिक से पूरा मैं डिटेल में एडवांस तक इसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि DDC क्या होता है और इसका पूरा इक्विपमेंट होता है, जितना भी कोर्सेस वगैरह जो होता है फील्ड से, मैं आप लोग को पूरा फुल डिटेल में बताऊंगा। प्लीज़ आप लोग वीडियो को फुल देखें ताकि आप लोग को DDC पैनल के बारे में फुल डिटेल से पता चल जाए। आप लोग देख सकते हैं ये जो है DDC का फुल, जो आप लोग देख सकते हैं ये इक्विपमेंट है। तो ये जो है बहुत बड़ा पैनल है DDC का, ज़्यादा इसमें क्या है HU वगैरह जो है ज़्यादा इक्विपमेंट लगा हुआ है। तो इसके लिए इसमें जो है आप लोग देख सकते हैं कंट्रोलर वगैरह और कनेक्शन भी आप लोग देख सकते हैं, पूरा फुल इसका बहुत सा वायर लगा हुआ है। आप लोग फुल डिटेल यहाँ से देख सकते हैं कितना इसमें कंट्रोलर लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि DDC क्या होता है। DDC का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल। DDC जो होता है ये क्या होता है, बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम में यूज किया जाता है। ये ऑटोमेशन बेसिकली जो होता है ये ऑटोमेशन सिस्टम में यूज किया जाता है। जैसे बहुत से बिल्डिंग हो गया, कमर्शियल बिल्डिंग, जैसे मॉल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, या बड़ा बड़ा बिल्डिंग हो गया, जिसमें बहुत से इक्विपमेंट लगा रहता है, जैसे HVAC का इक्विपमेंट, FCU, HU, वेरिएबल यूनिट, या बहुत से और भी बहुत से इक्विपमेंट होता है, क्रैक यूनिट वगैरह जो होता है HVAC का, या चिल्ड वाटर पंप हो गया, चिलर हो गया, या हीट एक्सचेंजर हो गया, इलेक्ट्रिकल का जो इक्विपमेंट हो गया, या बहुत से फायर का जो इक्विपमेंट होता है, फायर सिस्टम भी होता है। जो क्या होता है, जितना भी इक्विपमेंट बिल्डिंग का होता है, जो हम लोग क्या करते हैं किसी BMS या SCADA के द्वारा उस इक्विपमेंट में जितना भी इक्विपमेंट होता है उसमें क्या प्रोसेस चल रहा है, उसका जो पैरामीटर है और कितना उसका प्रेशर, टेम्परेचर और स्पीड वगैरह जो भी है, जितना भी उसके अंदर पैरामीटर होता है या उसके अंदर प्रोसेस है, स्टेटस वगैरह जो होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, जो इक्विपमेंट फील्ड में लगा है वहाँ से दूर किसी BMS या SCADA सिस्टम के द्वारा उसको हम लोग क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, कंट्रोल करते हैं। उसमें जो इक्विपमेंट होता है उसमें क्या प्रोसेस चल रहा है, कौन सा इक्विपमेंट का कितना पैरामीटर है, जितना भी डिटेल है उसको हम लोग BMS या SCADA के द्वारा देखते हैं, मॉनिटर करते हैं, या वहाँ से हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करते हैं। जितना हम लोग को टेम्परेचर चाहिए, प्रेशर चाहिए, स्पीड चाहिए, कोई भी इक्विपमेंट का, उसका हम लोग जो भी पैरामीटर चाहेंगे, जितना उसके अपने हिसाब से हम लोग उसको क्या करते हैं, सेट करके क्या कर सकते हैं, हम लोग इक्विपमेंट को रन करा सकते हैं, जितना कमांड देंगे उतना चलता है। तो ये जितना भी प्रोसेस होता है जो हम लोग सिस्टम से प्रोसेस करते हैं, या इक्विपमेंट में जो स्विच वगैरह रहता है, कोई कोई कंट्रोलर, जैसे क्या होता है कि बहुत से इक्विपमेंट होता है उसमें क्या होता है कि HMI पैनल लगा रहता है या कंट्रोलर लगा रहता है, तो उसमें से भी हम लोग इनपुट दे देते हैं, या कोई स्विच वगैरह से क्या करते हैं हम लोग उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। कोई ऐसा बहुत से इक्विपमेंट रहता है जिसमें क्या होता है वहाँ पे भी लोकल स्विच वगैरह रहता है। तो ये जितना भी प्रोसेस होता है ये जो है ये क्या है, DDC कंट्रोलर से क्या होता है कनेक्टेड होता है। जितना भी इक्विपमेंट का स्विच से लेकर कंट्रोलर, HMI जो होता है, या इक्विपमेंट में जो भी जो हमारा कंट्रोल्स लगा रहता है, जो भी हमारा जो गेज वगैरह लगा रहता है, पूरा क्या होता है, जितना भी फील्ड का, मान लीजिए कि एक HU है, उसमें क्या होता है कि डैम्पर वगैरह रहता है, डैम्पर हो गया, स्विच हो गया, फिर आपका प्रेशर गेज हो गया, प्रेशर सेंसर हो गया, स्मोक डैम्पर हो गया, स्मोक डिटेक्टर हो गया, और फैन हो गया, जितना भी एक HU है या FCU है या कोई भी इक्विपमेंट है, उसमें जितना भी इक्विपमेंट जो रहता है वो क्या होता है DDC से उसका कनेक्शन जो होता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा वही जो इक्विपमेंट है फील्ड का उसका कनेक्शन क्या होता है DDC में कनेक्ट रहता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है पूरा केबल आया, ये तो फील्ड का इक्विपमेंट का क्या है, केबल जो है यहाँ पे कनेक्ट रहता है, और वही जो इक्विपमेंट का पैरामीटर है जितना भी है वो क्या होता है, ये सब कंट्रोलर में लगा रहता है। आप लोग देख सकते हैं अलग अलग कंट्रोलर है जो है कम्युनिकेशन का केबल है, और ये जो है आप लोग देख सकते हैं ये केबल, ये CAT6 का केबल है, इससे कनेक्टेड है, और ये जो है पूरा BMS SCADA जो सिस्टम होता है उसमें जाके कनेक्ट होता है। तो ये जो होता है ये मेन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के द्वारा क्या किया जाता है कि BMS SCADA से कनेक्ट किया जाता है। तो इसका मेन काम क्या होता है कि फील्ड में जो भी इक्विपमेंट होता है उसका क्या करता है, ये डेटा का ट्रांसफर करता है। अगर हम लोग यहाँ से कुछ आउटपुट देते हैं, कुछ यानी हम लोग पैरामीटर देंगे, तो इक्विपमेंट उसी के हिसाब से ऑन ऑफ होगा, उसी के हिसाब से डैम्पर वगैरह क्लोज ओपन होगा, उसी के हिसाब से हम लोग जितना वैल्यू डालेंगे उसी के हिसाब से क्या होगा कि इक्विपमेंट क्या करेगा, काम करेगा। जैसे हम लोग यहाँ से प्रोग्रामिंग भी होता है, प्रोग्राम करके या हम लोग इनपुट वगैरह दे के क्या करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं,
तो ये मेन कंट्रोलर का डीडीसी का काम क्या होता है, कम्युनिकेशन को जो फील्ड का इक्विपमेंट है उसका डिटेल्स होता है, प्रोसेस होता है, उसको क्या करता है यहाँ पे ये लेता है, फिर यहाँ से क्या होता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज करके ये एस्काडा बीएमएस में भेजता है, फिर हम लोग एस्काडा बीएमएस से जो कमांड देते हैं उसके हिसाब से ये क्या करता है इक्विपमेंट को कमांड देता है, जिससे इक्विपमेंट उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है रन होता है। तो ये बेसिक जो था ये क्या था, कंट्रोलर का काम था। मेन कंट्रोलर का काम क्या होता है कि फील्ड का जो इक्विपमेंट है उसका जो भी डिटेल है, जो भी पैरामीटर है, उसको लेके ये ट्रांसफर करता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के द्वारा बीएमएस एस्काडा में, और बीएमएस एस्काडा से जो हम लोग कमांड देते हैं उसी के हिसाब से ये इक्विपमेंट को रन करता है। अब फील्ड का जो इक्विपमेंट होता है, कौन कौन सा इक्विपमेंट कहाँ पे कनेक्शन होता है, कौन सा इक्विपमेंट कैसे होता है और कैसे कनेक्ट वगैरह जो होता है, आप लोग इस पे देख सकते हैं। एक ये जो है कंट्रोलर है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अलग अलग चीज लिखा हुआ है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पावर सप्लाई है, यहाँ पे डिजिटल आउटपुट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एनालॉग आउटपुट है, फिर वैसे आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये डिजिटल इनपुट का है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिजिटल इनपुट है, एनालॉग इनपुट है, और यहाँ पे देख सकते हैं EX485 है, ये कम्युनिकेशन के लिए है। तो इसमें क्या है कि ये सब आप लोग को पता होना चाहिए कि डिजिटल इनपुट क्या होता है, डिजिटल आउटपुट क्या होता है, एनालॉग इनपुट क्या होता है, एनालॉग आउटपुट क्या होता है। ये अगर आप लोग को पता रहेगा तो इजीली क्लियर से आप लोग समझ सकते हैं। तो इस पे मैं डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट, एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट पे मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, जो मैं आप लोग को इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से देख के इजीली समझ सकते हैं। तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा फील्ड का जो कुछ इक्विपमेंट है उसको मैं दिखाऊंगा कैसे कनेक्ट होता है, जैसे आप लोग को समझने में क्या होगा आसानी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ, फील्ड में एचयू वगैरह लगा हुआ है उसका हम लोग देखेंगे, उसके बाद में मैं आप लोग को कनेक्शन भी थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है डैम्पर का एक्चुएटर है, ये एचयू का रिटर्न लाइन का ये क्या है डैम्पर है उसका एक्चुएटर है, और ये जो है आप लोग देख सकते हैं ये बीएमएस का केबल है, यहाँ से बीएमएस से कनेक्टेड है। यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रेशर का डक्ट का प्रेशर कितना है, इसका जो है ये प्रेशर स्विच लगा हुआ है, तो यहाँ से प्रेशर जो होगा ये जो होगा जाके एचयू में कनेक्टेड होगा। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डीपी स्विच, ये डिफरेंशियल प्रेशर स्विच है, तो ये जो है आप लोग देख सकते हैं ये पूरा बीएमएस का केबल है, बीएमएस का, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है बीएमएस का लिखा हुआ है, तो ये बीएमएस का केबल है प्रेशर वगैरह के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं डीपी का और एचयू का, ये जो है आप लोग देख सकते हैं ये फिल्टर का स्टेटस के लिए, फिल्टर गंदा है कि सही है उसके लिए लगा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रेशर गेज है, कितना प्रेशर है, ये भी जो है बीएमएस से कनेक्टेड रहता है, तो यहाँ से बीएमएस में जाता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, वैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं ये जो है सप्लायर का, ये जो है फैन का स्टेटस बताने के लिए लगा हुआ है कि फैन चल रहा है कि नहीं, हम लोग यहाँ से बीएमएस में कनेक्ट किए हैं, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। फिर आप लोग देख सकते हैं फायर अलार्म सिस्टम का, यहाँ पे जो है ये जो है सिस्टम जो है फायर अलार्म, इसमें क्या है स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है, फायर वगैरह होता है तो अगर ये डिवाइस जो ये एक्टिवेट होता है तो बीएमएस में जाएगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये डिस्चार्ज हाई प्रेशर का स्टेटस है, अगर प्रेशर जो हाई होगा तो इसका आएगा, फिर हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं एयर फ्लो जो है, ये जो है यहाँ से एयर फ्लो कितना जा रहा है ये मिलेगा, और ये एयर टेम्परेचर है, ये जो है सप्लाई एयर का टेम्परेचर और वेलोसिटी, यहाँ से ये जो है वेलोसिटी और एयर फ्लो दिखाता है कि कितना फ्लो जा रहा है, कितना स्पीड से, और टेम्परेचर के लिए आप लोग देख सकते हैं टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है। और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं ये भी है फायर का डिवाइस है, यहाँ पे भी स्मोक आप लोग देख सकते हैं डैम्पर है, स्मोक डैम्पर, अगर स्मोक आएगा तो क्या करेगा ये ऑफ कर देगा, तो इच्छू बंद। और ये जो है आप लोग देख सकते हैं ये एक्चुएटर लगा है, वाल जो है रिटर्न लाइन में लगा हुआ है कि जो पानी चिल्ड वाटर है उसको कंट्रोल करने के लिए। और यहाँ पे पानी का प्रेशर आप लोग देख सकते हैं, प्रेशर गेज लगा हुआ है। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये क्या है टेम्परेचर गेज लगा हुआ है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो ये पूरा जो है आप लोग देख सकते हैं इसमें ये जो है बीएमएस से कनेक्टेड रहता है, जितना भी डिवाइस है ये बीएमएस से कनेक्टेड रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है आप लोग देख सकते हैं पूरा जो है इक्विपमेंट जो है आप लोग देख सकते हैं पूरा बीएमएस का केवल गया हुआ है, तो बीएमएस से ये कितना बेहतरीन तरीका से पूरा ये जो है बीएमएस से कनेक्टेड है। मैं जो आप लोग को डीडीसी दिखाया उसमें ये पूरा इक्विपमेंट कनेक्टेड है, मैं आप लोग को जितना भी इक्विपमेंट दिखाया पूरा जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग एचयू है, आप लोग देख सकते हैं एचयू एमयू अलग अलग है, तो वो जितना भी इक्विपमेंट है आप लोग देख सकते हैं ये जो है यहाँ पे आके कनेक्टेड है। आप लोग देख सकते हैं कौन सा है, आप लोग देख सकते हैं पूरा टैग इसमें लिखा हुआ है, बीएफडी का कम्युनिकेशन, एयर फ्लो, डैम्पर, आप लोग देख सकते हैं जितना भी है कंट्रोल वगैरह जो है, स्पीड का, फिल्टर वगैरह का पूरा स्टेटस जो है यहाँ पे कनेक्टेड है। तो ये जो है कनेक्शन इसका कैसे होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है कहीं भी आप लोग जाएंगे तो ऐसा ये जो टीवी लगेगा, तो टीवी में वो आके कनेक्ट हुआ, फिर टीवी से क्या होता है कि इसमें आता है, तो उसमें हम लोग को देखना पड़ता है कि कौन सा डिजिटल है कौन सा एनालॉग सिग्नल है, उसके हिसाब से हम लोग इसमें कनेक्शन करते हैं। मैं ऑलरेडी उस पर वीडियो बनाया हूँ
ये डिजिटल इनपुट एनालॉग वगैरह क्या होता है आप लोग देखेंगे तो क्लियर समझ में आ जाएगा। तो इसी को हम लोग उसको पहचान लेते हैं कि कौन सा एनालॉग है कौन सा डिजिटल है। तो अगर इसमें हम लोग कनेक्ट कर देंगे और क्या करेंगे उसके हिसाब से जो एनालॉग है उसको एनालॉग पे लगा देंगे, जो डिजिटल है डिजिटल पे। लोग यहाँ पे देखेंगे क्या है कि ये जो है डिजिटल इनपुट है, तो डिजिटल इनपुट यहाँ पे कौन सा इक्विपमेंट होगा उसको हम लोग डिजिटल में क्या करेंगे लगाएंगे। तो डिजिटल इनपुट में मैं आप लोग को डीपली नहीं बताएगा, सिंपल सा बताता हूँ। डिजिटल इनपुट में वो इक्विपमेंट होता है जो 0 और 1 के फॉर्म में होता है, या तो वो क्या होगा 0 देगा या 1 देगा, यानी ऑन ऑफ जो होता है या क्लोज ओपन जो होता है वो क्या होता है डिजिटल इनपुट के अंदर होता है। फिर डिजिटल यहाँ पे एनालॉग इनपुट है, तो एनालॉग इनपुट वो इक्विपमेंट होगा जो हम लोग को कुछ वैल्यू देगा 0 से 100 के बीच में, या परसेंटेज दे सकता है या 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी दे सकता है। अगर परसेंटेज रहेगा तो 0 से 100 रहेगा, नहीं तो कुछ हम लोग को वैल्यू देगा 1,000, 1,00,000 कुछ भी दे सकता है। तो ये क्या होता है एनालॉग इनपुट होता है, तो ये फील्ड से आता है। डिजिटल इनपुट जो है फील्ड से आता है, ये दोनों क्या होता है फील्ड से हम लोग को मिलता है। लेकिन यहाँ पे डिजिटल आउटपुट और एनालॉग आउटपुट देखेंगे तो एनालॉग आउटपुट में क्या होगा यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग जो BMS से कमांड देते हैं कुछ वैल्यू देते हैं, या HMI पैनल से या SCADA से हम लोग मान लीजिए कि एक BFD है तो उसको 30% पे चलाना है, या हम लोग 50 पे चलाना है परसेंटेज पे या हर्ट्ज पे। तो जितना हम लोग वैल्यू देंगे वो क्या होता है एनालॉग में कनेक्ट होता है, ये एनालॉग आउटपुट में कनेक्ट होता है, तो उसी के हिसाब से ये क्या होता है चलता है। तो ये एनालॉग का यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं उसको चला सकते हैं। और ये जो है आप लोग देख सकते हैं डिजिटल आउटपुट, डिजिटल में क्या होता है कि कोई मान लीजिए कि हम लोग को स्टार्ट स्टॉप का जो कमांड देते हैं, यानी हम लोग को कोई BFD को ऑन ऑफ करना है तो डिजिटल आउटपुट में देंगे, यानी आउटपुट में हम लोग क्या करते हैं कमांड देते हैं, एनालॉग आउटपुट हो या डिजिटल आउटपुट हो दोनों में क्या कर रहे हैं हम लोग कमांड देते हैं। तो इसमें क्या होता है कुछ वैल्यू देते हैं और इसमें स्टॉप ऑन ऑफ का कमांड देते हैं, और ये इनपुट जो होता है इसमें क्या होता है कि हम लोग को ऑन ऑफ का स्टेटस मिलेगा। ये जो है डिजिटल में ऑन ऑफ का स्टेटस, ओपन क्लोज का स्टेटस हम लोग को फील्ड से मिलता है, और एनालॉग में क्या होता है हम लोग को फील्ड से मिलता है, इसमें हम लोग कमांड देते हैं। तो सिंपल सा मैं ये थोड़ा थोड़ा बताया आप लोग को, डिटेल से चाहिए कौन सा इक्विपमेंट डिजिटल होता है कौन सा एनालॉग होता है मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, वहां से देखने से आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आप लोग को कनेक्शन समझ में आया होगा कि हम लोग पहले क्या करते हैं टीवी में लगा देते हैं, फिर टीवी में से क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं कौन एनालॉग है कौन डिजिटल है, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ कनेक्शन कर देते हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि अलग अलग जो है अलग अलग यहाँ पे लिखा हुआ है CPXPO, IPC, यहाँ पे MU का, और ये CPXPO, फिर XPO, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं HU का, यहाँ पे XPO, IPC, तो ये अलग अलग क्या होता है DDC होता है, अलग अलग DDC का टाइप होता है, जो हम लोग को ज़रूरत पड़ता है उसी को हम लोग यूज करते हैं। मैं अलग अलग टाइप का जो ये DDC है उस पर भी वीडियो बनाया हूँ, टाइप ऑफ DDC जो है मैं उस पर वीडियो बनाया हूँ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है आप लोग को ये मिला, इसमें भी अंतर होता है आप लोग देख सकते हैं, ये जो है मेन कंट्रोलर होता है। आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी ये केवल यहाँ पे सप्लाई हम लोग दे रहे हैं, और यहाँ पे डिजिटल एनालॉग यहाँ पे कुछ भी नहीं है क्योंकि यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे यहाँ से हम लोग सप्लाई देते हैं, तो देख सकते हैं ये 24 वोल्ट AC हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, 24 वोल्ट AC पे काम कर रहा है, और ये डिजिटल आउटपुट का यहाँ पे नहीं था, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिजिटल आउटपुट इसमें यूज हो रहा है, इसमें एनालॉग आउटपुट यूज हो रहा है, जैसे रिक्वायरमेंट रहेगा वैसे हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एनालॉग इनपुट है एनालॉग आउटपुट है, ये IPC है, IPC आप लोग देख सकते हैं, तो इसमें IPC है, ये एक ये और ये दोनों क्या है एक साथ है। IPC जो होता है इसमें क्या होता है आप लोग को एक ऐसा कंट्रोलर मिलेगा, ये जो है मास्टर कंट्रोलर होता है। आप लोग यहाँ पे देखें कि इसमें जो है आप लोग को क्या मिला XPO है, ये दोनों सेम है, लेकिन ये इसमें क्या है कनेक्टेड है, ये रहेगा तो इसमें आप लोग को थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ कोई इनपुट आउटपुट कनेक्ट नहीं है, ये क्या होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं बहुत से ऐसा कंट्रोलर जो होता है इसको हम लोग ला के कनेक्ट करते हैं, और यहाँ से फाइनल जो कम्युनिकेशन होता है आप लोग देख सकते हैं यहाँ से सर्वर में जाता है, और सर्वर से क्या होता है कि हमारा BMS SCADA में जाता है। तो ये जो होता है मेन कंट्रोलर होता है, ये क्या होता है इसमें यहाँ पे देख सकते हैं इसमें बहुत से कंट्रोलर को हम लोग ऐसे जो है बहुत से अलग अलग कंट्रोलर को कनेक्ट कर सकते हैं, ये लेंथ के हिसाब से क्या करता है डिपेंड करता है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये बैकनेट चैनल 1 2 आप लोग देख सकते हैं, दो इसमें चैनल दो क्या है कंट्रोलर लगा हुआ है। इसमें आप लोग देखेंगे कि ये जो है यहाँ से ये जो है आप लोग को दो चैनल मिल रहा है और यहाँ से आउटपुट जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ से इसमें जो है इसको लूप किया हुआ है, इसमें से इसमें आया हुआ है और इसमें से एक ये आया हुआ है। अगर इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इसमें क्या है आप लोग देख सकते हैं लूप किया हुआ है, यहाँ से एक आके केवल इसमें लूप हो रहा है और यहाँ से फिर इसमें आ रहा है, यानी ये दो और ये दो दोनों कनेक्टेड है। तो ये मेन कंट्रोलर होता है, इसमें क्या होता है कि कुछ रेंज रहता है, अगर ऐसे हम लोग कंट्रोलर यूज करेंगे तो 100 मीटर अगर दूरी तक रहेगा तो 10 इसमें हम लोग
ऐसा कंट्रोलर यूज कर सकते हैं। तो उतना ज्यादा हम लोग यूज नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा यूज करेंगे तो थोड़ा कम्युनिकेशन जो होगा उसमें क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो लगभग इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत से कम्युनिकेशन का केबल जो है बहुत से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैसे आप लोग देखेंगे यहाँ पे क्या है, दो यहाँ पे मास्टर कंट्रोलर लगा हुआ है और इसमें दो, तो दो इसमें कनेक्टेड है और इसमें ये कनेक्टेड है। तो ये जो होता है लूप होता है, यानी अगर हम लोग को जितना चाहिए ये कंट्रोलर अलग अलग हम लोग रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करके इसमें क्या करते हैं, कम्युनिकेशन देते हैं। फिर यहाँ से फाइनल क्या होता है हमारा, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कैट सिक्स में कनेक्टेड है, यहाँ पे सॉकेट के द्वारा कैट सिक्स में कनेक्शन है और कैट सिक्स का जो केबल है वो हमारा जो होगा कहाँ पे जाएगा, ये सिंपल से जो हमारा सर्वर है उसमें जाएगा। सर्वर से क्या होगा कि हमारा PMS SCADA में चला जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर यहाँ पे क्यों यूज हो रहा है, मैं ऑलरेडी आप लोग को बताया है कि ये जो है DDC 24 वोल्ट पे यूज हो रहा है। तो ये जो है AC को 24 वोल्ट यहाँ पे आप लोग अगर देखेंगे तो ये क्या है कि 210 ले रहा है वोल्ट, 220 वोल्ट लेके ये 24 वोल्ट आउटपुट दे रहा है, तो वहीं ये DDC में यूज हो रहा है यहाँ पे। और आप लोग देख सकते हैं ये जो है रिले लगा हुआ, देख सकते हैं कि हम लोग स्टार्ट स्टॉप करते हैं पंप वगैरह जो होता है या कोई इक्विपमेंट फैन वगैरह जो होता है तो उसके लिए ये यूज किया जाता है। यहीं से हम लोग को जो इंडिकेशन वगैरह रहता है वो लेते हैं, यहाँ से रन का स्टेटस वगैरह जो है इसी में से क्या करते हैं हम लोग लेते हैं, जो VFD वगैरह में लगा रहता है। तो और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है फ्यूज लगा हुआ है और यहाँ पे ये TV वगैरह लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं ये मेन MCB जो है तो ये ट्रांसफार्मर के लिए लगा हुआ है, यहाँ से सप्लाई जाएगा ट्रांसफार्मर में। और यहाँ पे देख सकते हैं ये 24 वोल्ट आप लोग को दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है 24 वोल्ट जो है। तो बहुत से इक्विपमेंट जो होता है फील्ड में, जैसे एक्चुएटर में हम लोग पावर देते हैं, डेम्पर में पावर देते हैं, तो बहुत से इक्विपमेंट होता है जो फील्ड में क्या होता है उसमें हमेशा हम लोग पावर देकर रखते हैं तभी वो काम करता है। तो यहीं से वो सब पावर जाता है, आप लोग देख सकते हैं ये जो है पूरा वहीं से ज़्यादा आप लोग देखेंगे यहाँ पे HU101 PH 24 वोल्ट एयर फ्लो जो है आप लोग देख सकते हैं, रिटर्न जो है गेज होगा उसका। तो ये जो इक्विपमेंट फील्ड में रहता है उसके लिए ये यूज किया जाता है और इसमें और कुछ नहीं है, आप लोग देख सकते हैं यही सब इक्विपमेंट होता है। तो आप लोग को इसमें जो है पूरा फुल इक्विपमेंट का पता चला होगा क्या इक्विपमेंट होता है, मेन DDC क्या होता है। यहाँ पे देखेंगे आप लोग ये जो है FCU लगा है, फैन कॉइल यूनिट लगा है, तो फैन कॉइल यूनिट जो है आप लोग देखेंगे इसका एक जो है यहाँ पे DDC लगा हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी एक DDC है। तो ये जो है SPC ये जो है स्मॉल पॉइंटर DDC है, आप लोग देख सकते हैं ये पावर सप्लाई का है, फिर ये डिजिटल इनपुट का है, आउटपुट का है। तो हम लोग कमांड देता है फैन को ऑन ऑफ करने के लिए, इसमें क्या होता है 3 स्पीड रहता है, इसके लिए डिजिटल आउटपुट ज़्यादा चाहिए, उसी के हिसाब से ये डिजाइनिंग किया हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं इनपुट एनालॉग डिजिटल इनपुट ये सब यूज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे वो सब ज़्यादा यूज नहीं है, सिर्फ फैन जो है उसका स्पीड देने के लिए हाई लो और मीडियम के लिए क्या हो रहा है ये वो यूज हो रहा है। और ट्रांसफार्मर यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं 24 वोल्ट के लिए लगा हुआ है, इसका कनेक्शन वगैरह आप लोग देख सकते हैं। तो ये भी एक अलग से DDC है, इसका भी आप लोग देखेंगे ये जो केबल है आप लोग देख सकते हैं आउटपुट जो है MSTP जो है जा रहा है और उसी मास्टर कंट्रोलर में क्या होगा कनेक्ट हो, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कोई मास्टर कंट्रोलर नहीं लगा है, जैसे मैं आप लोग को बताया कि एक जो मेन कंट्रोलर होता है वैसा कंट्रोलर इसमें नहीं लगा है, आप लोग देख सकते हैं सिंपल सा एक कंट्रोलर लगा हुआ है, तो उसी में वो जो ये जो है जाके कनेक्ट हो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को पता चला होगा कि DDC क्या होता है, इसके बारे में आप लोग को फुल डिटेल से पता चला होगा। अगर आप लोग को कहीं भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोग के पास आसानी से पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।